हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल में फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज फाइनल रेस नियाजीपुर बक्सर बिहार में जो 26 अक्टूबर 2023 को संपन्न कराई गई उसका वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी जो देख रहे हैं जहाँ पे सम्मानित मुख्य अतिथि आए हुए थे उनके द्वारा फीता काट कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार के श्री विवेका पहलवान जी, सुभाष राय जी मुजफ्फरपुर बिहार से, पिंटू सिंह मुखिया जी अमसारी से, अजय सिंह जी साथ बक्सर बिहार से, डुमन राय मुखिया जी समस्तीपुर बिहार से, श्रीकांत तिवारी जी डिहरी रोहतास बिहार से, और भी वहां के जितने भी महावीर पूजा समिति के जितने भी सदस्य हैं सभी लोग वहां पे मौजूद थे। सरपंच साहब और मनोज भैया, मनोज पाठक जी, अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो घोड़े इस रेस में स्थान प्राप्त किए सभी लोग अपने अपना स्थान के लिए शील्ड ग्रहण कर रहे हैं। एक जबरदस्त मुकाबला जो देखने को मिला और एक आज अजूबा खेल इस रेस में देखने को मिला। अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि सवार जय हिंद यादव बादामी कलर के घोड़े से अपने स्थान के लिए शील्ड बिहार के श्री विवेका पहलवान जी से ले रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था की मैं बात करूँ तो काफ़ी शानदार जबरदस्त व्यवस्था, चाहे वो खाने पीने का चीज़ हो या रहने का हो या कोई भी ज़रूरत का जो सामान हो, कमेटी द्वारा अथक परिश्रम करके और हम लोगों को आसानी से मुहैया कराई गई। इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से और घोड़ा के जितने भी सदस्य हैं उनके तरफ से मैं कमेटी को धन्यवाद देता हूं। अब रेस स्टार्ट होता है। शुरुआत में आप सभी लोग देख रहे हैं कि सभी घोड़े छूट चुके हैं और रस्साकसी चल रही है। आगे बढ़ने के लिए भी सवार खैरुल बसर चल रहे हैं और पीछे से सवार मनीष सिंह पिंटू मुखिया जी अंसारी के घोड़े से लेकर, और आधे चक्कर का खेल समाप्त होने के बाद आगे निकल गए और घोड़ा है मिल्खा और अब ये घोड़ा इस धरती पर सेट हो गया है। अभी एक कमी है तो बस प्रैक्टिस की कमी है। सवार खैरुल बसर पीछे से लगे हुए हैं, दाहिने से सवार दीपक यादव जी अंसारी जी देवरिया के घोड़े से लगे हुए हैं, उसके पीछे सैयद फरहान अहमद मोतिहारी रानी कोठी बिहार का घोड़ा है जिस पर सवारी करें सवार जय हिंद यादव, पीछे से बिहार के श्री विवेका पहलवान जी के घोड़े पर सवार शंभू सिंह, और उसके पीछे फरहान अहमद मोतिहारी के घोड़े से एकता एक्सप्रेस से सवार मेघू लगे हुए हैं। अभी सवार दीपक की शानदार बढ़त बनाते हुए देख पा रहे हैं और पीछे सवार जय हिंद यादव लगे हुए हैं। चार चक्कर का ये फाइनल रखा गया था। अभी आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन से घोड़े अपना पैर बिगाड़ रहे हैं और सवार संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो शानदार परफॉर्मेंस रहा सवार जय हिंद यादव का वो काबिल तारीफ है और मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही में बधाई भी देता हूँ। और इस रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया सैयद फरहान अहमद रानी कोठी मोतिहारी बिहार का घोड़ा, घोड़े का नाम है एकता एक्सप्रेस और सवार मेघू, एक बहुत ही जाने माने बिहार के सवार हैं और सवार जय हिंद यादव भी किसी से कम नहीं हैं। जो घोड़े पे सबको उम्मीद नहीं था कि ये घोड़ा काम करेगा, आज जो घोड़ा वो कारनामा करके दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। पीछे से सवार शंभू सिंह बिहार के श्री विवेका पहलवान जी के घोड़े के साथ भरपूर मेहनत किए और इस रेस में तीसरा स्थान प्राप्त किए। इस रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया सैयद फरहान अहमद रानी कोठी मोतिहारी का एकता एक्सप्रेस जिस पर सवारी करने सवार मेघू, दूसरा स्थान प्राप्त किया फरहान अहमद रानी कोठी मोतिहारी का दूसरा घोड़ा बादामी कलर का जिस पर सवारी करते सवार जय हिंद यादव, और तीसरा स्थान प्राप्त किया बिहार के श्री विवेका पहलवान जी का घोड़ा जिस पर सवारी कर रहे थे सवार शंभू सिंह। और मैं तीनों घोड़े के मालिक को और सवार को अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और भी सेमीफाइनल की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, आप सभी लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट रहिए और मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन की घंटा को ज़रूर दबाइए। और चैनल का फेसबुक पेज भी बनाए, आप फेसबुक पर जाइए हिंदुस्तान हॉर्स दंगल सर्च कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और जो विशेष बातें हैं मैं सेमीफाइनल में बात करूंगा। आप सभी लोग वीडियो देखते रहिए, कौन से कैसे घोड़े चले आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं फिर मिलता हूं आगे नया वीडियो लेकर, और फिर से मैं महावीर पूजा समिति कमेटी को धन्यवाद देता हूं, अपने चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं अच्छा रेस कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।